मैं हूँ इश्लीन कौर और आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की खास पेशकश गुरु। दुनिया के एक जाने माने योग ऑर्गेनाइजेशन की बीबीसी इन्वेस्टिगेशन, ये है एपिसोड 4। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दें कि इस एपिसोड में भी जिन लोगों की कहानी आप सुनेंगे वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। आपको वॉर्न कर दूं कि इस एपिसोड में कई जगह पर सेक्सुअल अब्यूज के बारे में खुलकर बात हो रही है। चलिए अब प्रेरणा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद दिला दूं, प्रेरणा वही है जिसने तीसरे एपिसोड में ये दावा किया कि शिवानंद के एक पूर्व स्वामी महादेवानंद ने उनका यौन शोषण किया था। प्रेरणा ने मुझे अपने शिवानंद के सफर के बारे में बताया कि वो 20 साल की थी जब वो पहली बार केरल के धन्वंतरी आश्रम गई। वो कहती हैं कि उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि बस अब शिवानंद ऑर्गेनाइजेशन हमेशा के लिए उनका घर बन जाएगा। मगर अफसोस, ऐसा हुआ नहीं। प्रेरणा ये दावा करती हैं कि महादेवानंद अकेले गुरु नहीं थे जिन्होंने उन्हें अब्यूज किया, लेकिन कानूनी वजहों से हम दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन प्रेरणा को आज भी याद है जब ये व्यक्ति केरल के उस आश्रम में आया था जहाँ प्रेरणा और उसकी मुलाकात हुई। I was young, happy, very much attracted by spiritual life, lots of questions. मैं जवान थी और हमेशा खुश रहने वालों में से थी। आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखने से मेरे मन में काफी सवाल थे, जिस वजह से मैं योग की तरफ आकर्षित हुई। मैं कहूंगी जीवन और लोगों के बारे में भोली भाली विश्वास से भरी। मुझे हमेशा यही लगता है कि लोग अपना काम सच्चे मन से कर रहे हैं। मैं हमेशा सकारात्मक पक्ष देखती थी। तो मैं पहले कभी इस व्यक्ति से नहीं मिली, लेकिन मैंने शिवानंद से जुड़े कई लोगों से इनके बारे में सुना जरूर था। यहाँ इनकी काफी मान्यता है, ये स्वामी विष्णु के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। और तो और ये भी कहा जाता है कि इनमें अपने गुरु की छाया है। So it was like not God, but like, you know, a deity coming back. He was like a Superman. ऐसे थे जैसे कोई देवता आ रहे हो, या जैसे वो सुपरमैन हो। और आश्रम में सभी इस तरह निहाल हो रहे थे जैसे भगवान आ गए हैं। My karma yoga, my duty was to take care of his daughter. मेरा कर्म योग यानी मेरी ड्यूटी उनकी बेटी की देखभाल करना था, इसलिए मेरा उस आदमी से मिलना जुलना भी होता था और मैं उनके कमरे में भी काफी वक्त बिताती थी। मैं उनके बच्चे को सुला देती और फिर उनके वापस आने तक कमरे में ही इंतजार करती। जब वो वापस आ जाते फिर मैं सोने के लिए अपनी डॉर्मेट्री में लौट जाती। प्रेरणा ने मुझे बताया कि जब भी वो इस व्यक्ति के साथ होती उन्हें बहुत ही खास होने का एहसास होता, साथ ही प्यार का भाव भी महसूस होता। He was praising me. I was young and I was flexible and I was doing good at asanas. वो मेरी खूब तारीफ करते। मैं जवान थी, लचीला शरीर होने की वजह से योग आसन भी अच्छे से कर पाती थी। वो मेरी सराहना करते हुए अक्सर मुझसे कहते कि मैं एक बेहद खूबसूरत भारतीय महिला की तरह दिखती हूँ। सच बताऊं तो मुझे ये सुनकर काफी अच्छा महसूस होता। And I remember he was looked and stared at me in the eyes. एक दिन सुबह के सत्संग में, मुझे याद है, हाँ, वो सत्संग को लीड कर रहे थे। मैं बाकी स्टाफ के साथ नीचे जमीन पर बैठी हुई थी और मुझे अच्छे से याद है उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक टक नजरों से देखते गए और फिर बिना आवाज किए बस अपने होठ हिलाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, आई लव यू। हाँ, मैंने उनके होठ ठीक से पढ़े और वो यही कह रहे थे। Saying without any sound, I love you, and I could read on his lips his message. प्रेरणा इमोशनली इस व्यक्ति के करीब आ चुकी थी और उन्हें अपना गुरु भी मानने लगी। एक सच्चे शिष्य की तरह वो अपने गुरु को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती। बस फिर वो धीरे धीरे इस व्यक्ति के कमरे में ज्यादा समय बिताने लगी। At the beginning, I would just leave when he arrived in the evening, and after some time, maybe a week or so, he started to. शुरू के दिन में तो मैं उनके कमरे में वापस लौटते ही फौरन निकल जाती थी, पर कुछ समय बाद, शायद एक आधा हफ्ते के बाद,
उनके लौटने के बाद हम बातें करते। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते और मेरी तारीफ भी करते और हम देर शाम तक बातें करते। फिर जो हुआ मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि बाद में उन्होंने मुझे रात के 11 या 12 बजे दोबारा आने के लिए कहा ताकि हम और बातें कर सकें। और मुझे लगा कि मैं उनके हुक्म को कैसे टाल सकती हूँ। जब आप कर्म योग करते हैं तो गुरु की आज्ञा का पालन करना आपका फर्ज होता है। I felt I had to obey because when you do karma yoga, you just obey. And he was a senior staff and I was a young staff. And वो सीनियर स्टाफ थे और मैं एक मामूली स्टाफ। जो भी उनमें अपना गुरु देखते वो भी उनके कहे को सुनते और मानते। और मुझे कुछ और सूझा ही नहीं, बस यही लग रहा था कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है। मानो कि मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी, मैं बस श्रद्धा में मग्न थी। मैं अपनी डॉर्मेट्री में गई और जैसा उन्होंने कहा था मैं वापस उनके कमरे में चली गई, यही सोचते हुए कि मैं एक अच्छे शिष्य की तरह अपना कर्म अपना योग निभा रही थी। क्योंकि आश्रम में इसे ही अच्छा व्यवहार माना जाता है, अपने गुरु की बात सुनना। पहले तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और हम सिर्फ बिस्तर पर बैठकर बातें करते थे। और हाँ, वो मजाक भी करते और मेरी प्रशंसा करते, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे छूना शुरू कर दिया, जैसे मुझे मसाज देना या मैं उन्हें मसाज देती। और मुझे अच्छे से याद है कि हम किस करने के बहुत करीब आ गए थे। I don't remember very clearly, but getting closer, up to kissing, and I remember feeling very, very confused because he was acting like a boyfriend or lover. लेकिन मैं बहुत उलझन में थी, क्योंकि वो एक प्रेमी या बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे थे। और उसी समय मैंने महसूस किया कि वो मेरे साथ सेक्स करना चाहते थे और मैं वो हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत डर गई, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है और ऐसी हरकतें आश्रम में मना है। इसलिए मैं बहुत परेशान थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये टीचर जो इतने सीनियर सदस्य थे इस तरह क्यों पेश आ रहे थे और वो ऐसा काम क्यों करना चाहते हैं जो आश्रम के नियमों के खिलाफ है। मैं परेशान थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनकी बात माननी भी ज़रूरी थी। मैं बस यही कोशिश करती कि मैं उन्हें अपने साथ सेक्स करने से रोक पाऊँ। So I was trying to avoid him having sex with me. So I was like giving him a little bit more so he would not get angry and... तो मैं उन्हें कुछ ना कुछ करके खुश रखने की कोशिश करती ताकि वो मुझसे नाराज ना हो। मैं इतनी डरी हुई थी कि वो कहीं गुस्से में मुझ पर चिल्लाना ना शुरू कर दे, और मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझ पर चिल्लाएं। लेकिन मुझे उन्हें खुश भी रखना था, लेकिन उतना ही जितना वो चाहते। तो धीरे से वो मुझे छूने लगे और किस भी करने लगे, और मैं सिर्फ यही कोशिश करती कि उन्हें सेक्स करने से रोक सकूं, क्योंकि मुझे इतना डर लगता था कि अगर मैं उन्हें खुश नहीं रख पाई वो मुझ पर चिल्लाएंगे और चोट भी पहुँचा सकते थे, क्योंकि वो हिंसक हो सकते थे और वो काफ़ी स्ट्रांग थे। सच में एक ताकतवर आदमी थे। मैं अकेली और कमज़ोर महसूस कर रही थी, मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता। Kind of alone and weak, and if he would get angry, I would have been very, very scared of his anger. प्रेरणा बहुत डर गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो बेहद कमज़ोर महसूस कर रही थी, जिस वजह से वो इस व्यक्ति को मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अब जरा गौर कीजिए, हम प्रेरणा में भी वही डर देख रहे हैं जिस डर की बात जूली और कई पीड़ित महिलाओं ने की थी। याद कीजिए कैसे जूली ने कहा था कि उन्हें भी अपने गुरु से इतना डर लगता था कि उन्हें ऐसा एहसास होता मानो डर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया हो, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा का गलत फायदा उठाए जाने के और आरोप। जूली ने मुझे बताया, I remember feeling extreme fear. One time I could actually smell fear coming off me because I'd never smelled fear like that before, but it's like my mind was telling me that's fear coming off you. मुझे याद है मैं बहुत भयंकर रूप से डरने लगी थी। एक बार मैं बस अंदर गई, मुझे लगा कि डर ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा लगा कि मेरे शरीर की एनर्जी ही खत्म हो गई थी, क्योंकि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन मेरा दिमाग मुझे इस डर का एहसास दिला रहा था। वो डर मेरे जहन से निकल नहीं रहा था। प्रेरणा ने कहा कि वो अपने गुरु को इस बात से तो रोक पाई कि वो उनके साथ सेक्स ना कर पाए, हालांकि प्रेरणा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। Then I lived one of the most horrible time months in my life. When he looked at me, he was very, very dark.
उस समय मैंने अपने जीवन के सबसे भयानक महीने बिताए। जिस तरह से वो मुझे देखते, हमेशा बेहद गुस्से में, उनकी आंखों में मेरे प्रति क्रोध के अलावा कुछ नहीं होता। वो नफरत भरी आंखों से मुझे देखते, इतना नेगेटिव बर्ताव और मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। और ऐसे में सबसे बुरा ये था कि मेरी ड्यूटी उनकी क्लास का अनुवाद करने की थी, तो मुझे उनके साथ रोज़ एक ही कमरे में काम करना था। ये मेरे लिए बहुत दुखदायी था। और एक दिन तो वो पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे और मुझ पर गुस्सा हो गए। वो इसलिए क्योंकि मैं बिना उनकी अनुमति के उनकी क्लास में आसन करने लगी। वो चिल्लाने लगे कि तुम यहाँ सिर्फ अनुवाद करने के लिए हो। फिर उन्होंने मेरी योग वाली मैट कमरे से बाहर फेंक दी, मेरी चप्पल भी दूर फेंक दी, और पूरी तरह से पागल हो गए और गुस्से में चिल्ला रहे थे। My flip-flops threw them away and he was like shouting, completely mad and angry, kicking me away from his class and completely angry and crazy. जूली, लुसील, पैमेला, वेंडी, जिन्होंने शिवानंद का साथ छोड़ा, सभी ने मुझे बताया कि शिवानंद के बाद अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। हमने इस व्यक्ति को एक ईमेल के जरिए प्रेरणा के सभी आरोपों की एक पूरी लिस्ट भेजी और आरोपों पर उनका जवाब मांगा, ताकि वो अपने पक्ष में कुछ बातें रखना चाहें तो रख सकें। लेकिन इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किए जाने तक हमारी उस ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। इस व्यक्ति पर लगाए गए आरोपों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। ये कहानी और गहरी होती चली गई। प्रेरणा एक लौती महिला नहीं है जिसने ये दावा किया कि इस व्यक्ति ने उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया। 5 और महिलाओं ने भी मुझे बताया कि कथित तौर पर इस व्यक्ति ने उनका भी शोषण किया, और उनमें से एक ने ये दावा किया कि वो उस समय सिर्फ 12 साल की थी जब इस व्यक्ति ने उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। मैं 12 साल की थी जब मैं पहली बार उस आदमी से मिली। मैं उनके लिए आश्रम के छोटे मोटे काम कर देती थी। उस समय वो 26 साल के थे और इनाम के तौर पर वो मेरे कंधों की मालिश कर देते। कभी कभी वो मेरे हिप्स को भी छूते और ऐसा दिखाते कि ये तो बस मजाक था। शिवानंद योग के एक प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उन लोगों के साथ पूरी सहानुभूति रखता है जो आगे आए हैं, और ऐसे लोगों की मदद करेगा जिन्हें लगता है कि वो प्रभावित हो सकते हैं। बोर्ड ये आश्वासन देता है कि वो अब्यूज या अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। बोर्ड ने इन मामलों को कैसे लिया और क्या कार्रवाई की, इस सीरीज के आखिरी 2 एपिसोड में हम आपको विस्तार से बताएंगे। जुड़िए मेरे साथ बीबीसी हिंदी की खास पेशकश गुरु के अगले भाग में, जहां मैं आपके साथ इन महिलाओं की कहानी साझा करूंगी।